चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समा अपना माइक खोले सर, माइक खोले, अपना अपना माइक खोले। हो गया था म्यूट ऑन, मत म्यूट ऑन कोई भी ना करे, मैं कर रहा हूँ कंट्रोल, आप बोलिए। सभी को जय भीम नमो बुधाय। वी द पीपल समर्सन, इसका कंसेप्ट सीधा सा है कि जुड़ने जोड़ने का काम है और इकट्ठा होने का काम है हमारा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ नए साथी जुड़े हैं काफी टाइम से, पुराने भी हैं, ज्यादा टाइम हो गया तब भी अभी क्लियर नहीं होता है, या क्लियर है तो होने के बाद तो कोई जाता ही नहीं है, कोई ना कोई संशय फिर भी रहता है। या हमारे साथी अपने आम पब्लिक में जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि ये क्या संगठन है, संघ है क्या नया। आज भी बहादुरगढ़ में मीटिंग हुई थी तो बहुत लोगों को सीधा समन शब्द पे ही बड़ी अलग अलग समझ नहीं थी, क्या है समन का मतलब क्या है। और दूसरी बातें हैं कि ये कोई पार्टी है, संगठन है, करना क्या है, क्या करेंगे, जुड़ के क्या करेंगे, बहुत सारे कारण पूछते हैं, या जुड़ गए इकट्ठे होंगे तो क्यों होंगे। सबको बहुत जल्दी ऐसे लगता है कि कुछ करना है तो इकट्ठे हो रहे तो कुछ हो जाए। देखो इकट्ठे होंगे तो होगा ही, जुड़ेंगे जोड़ेंगे तो संघ बनेगा, संघ बनेगा तो कुछ करेंगे हम। 10 आदमी 20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठा होने के लिए तो इकट्ठे होते नहीं है, लेकिन वो पुरानी प्रथाएं चल रही है जैसे संगठन किया कि पहले वो तय करते हैं कि ये हमारा काम है, ये प्लान है, और वो लोगों के पास जाते हैं कि इकट्ठा होके ये हमारा प्लान है, भी हमारे साथ आओ। लोगों से नहीं पूछते कि आपका क्या प्लान है, आप क्या करते हो। अब संघ का जुड़ने जोड़ने का तो काम तो इकट्ठा होना है, उसके बाद तय करेंगे हम, हमें करना क्या, करना तो है ही कुछ। अब रीजन देखें, कारण पूछें, तो कारण अब हम, हमारी हालत क्या है, आज 76 साल हो गए और हमें जो संविधान के अनुसार क्या मिलना था क्या मिला, और आज क्या हो रहा है हमारे साथ, चारों तरफ हाहाकार है, हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं एक एक करके, हमारे आंखों के सामने हमारे पूरे पूरे नेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है 131 MP है, 1100 लगभग MLA है स्टेट्स के, इतने 29 लाख संगठन बता रहे हैं, और छोटे मोटे और दल बल और भी होंगे, और कर्मचारी संगठन है। इन सब के होते हुए भी क्या संविधान की जो परिकल्पना की थी हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने यार, और भी जिन्होंने ये सोच के संविधान को 2 साल 11 महीने जो जितना समय लगा के इसको, कितनी मेहनत से इतना, उस संविधान सभा में एक एक आर्टिकल डिस्कस होता था, और वो सब करके एक इसकी संकल्पना को संविधान बना के इस इन नियमों के अनुसार हमारा देश चलेगा, क्या चल पा रहा है क्या, और नहीं चल पा रहा तो क्यों नहीं चल पा रहा, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, ये शासक और शोषक बना हुआ है, एक शासक वर्ग बन गया, वो कोई भी है, हमारे भी सारे रिप्रेजेंटेटिव शासक वर्ग में मिले हुए हैं, और हम जनता शोषक, उसमें सारे हम शोषक है, हम जितना समन संघ SC ST OBC सारे के सारे हमारा शोषण होता है और हो ही जा रहा है। संविधान में तो ऐसा नहीं था, संविधान में तो सब बराबर थे, सबको अधिकार थे, एक वोट का अधिकार दिया था, वो भी वोट का अधिकार था, वो हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो हमें आर्थिक राजनीतिक और जो सामाजिक बराबरी की बात थी संविधान में, उसमें क्या बराबरी है, सिर्फ एक वोट का अधिकार की बराबरी हम कह सकते हैं, वोट दे सकते हैं, लेकिन वो भी अब क्या हो रहा है, वो भी हमारा है नहीं, दल बल है हमारे से रोज वोट खरीदे जा रहे हैं, कहीं पैसे दे गए, कहीं ड्रा के, कहीं कुछ, वो भी हम इंडिपेंडेंट नहीं है। जो सामाजिक और आर्थिक का तो कहीं नामो निशान है, कोई बात नहीं करता, जबकि बाबा साहब ने क्लियर कहा था कि संविधान को यूज करने वाले अगर सही नहीं होंगे तो संविधान खराब साबित होगा। आर्थिक और राजनीतिक बराबरी हमने आपको दिलवा दिया है, और जल्द जितना जल्दी ये
आर्थिक और सामाजिक बराबरी जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, वो प्रदान कर पाएंगे उतना ही सही है, और अगर ये नहीं कर पाए तो एक दिन आएगा कि जनता इसको तहस नहस कर देगी सिस्टम को। तो हालत तो ये तो चाहते हैं ऐसे हैं जो शासक वर्ग है कि ऐसा ही चलता रहे, उन्हें तो कोई समस्या है नहीं। हम लोगों को वी द पीपल कोई समस्या है, अगर माल तहस नहस की बात आ गई तो भी कौन किसको तकलीफ होनी है, हमें होनी है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को होनी है। तो ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए, लोगों को समझानी चाहिए क्या हो क्या रहा है। अब कई बार कह देते हैं वहां तो परिचय होता है भाई वी द पीपल, अरे परिचय क्या क्यों, अब चार आदमी मिलते हैं, अब यही हम देख लें महाराष्ट्र से कटके साहब है, इतने सारे साथी है यूपी से है बिहार से है, अरे पहली बार परिचय नहीं होंगे तो क्या बात करेंगे हम। सबसे पहला काम तो कहीं भी जाते हैं वहां क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही करते हैं एक दूसरे की, किसी शहर में जा रहे हैं कोई मिलेंगे या कोई मीटिंग है तो क्या करते हैं, तो परिचय तो होगा ही, उसके बाद ही आगे आगे बढ़ेगा विचार आचार विचार आदान प्रदान जो होगा। तो इसमें है क्या कोई भी यहाँ जुड़ के लगातार जुड़ते नहीं एक दिन दो दिन, वहां तो परिचय होता है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते भी, परिचय के बाद कंसेप्ट भी है और कंसेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो हमें लगातार बनाए रखना है और कंसेप्ट बताते रहना है। अब दूसरी बात हम लें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समन संघ है क्या, इसकी जरूरत क्या है, कब से है समन संघ, तो हमारा कब से बुद्धा से पहले से भी चला आ रहा है, हमारा पुरखों का दादा परदादाओं का संघ है ये, ज्यादा पूरा ये बात 300-400-500 साल कह सकते हैं, इससे पहले तक तो हमारा संघ था, अभी खत्म हुआ है जब हमने इकट्ठा होना छोड़ दिया, जब हम सन्निपात बाहुल हमारा भी दिन होता था एक, इकट्ठे होते थे एक दिन, वो सब हमने छोड़ दिया दोनों बातें, जब इकट्ठा होना छोड़ दिया तो हमारे अधिकारों पे हनन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे हमें हमारे शिक्षा से या हमारे जागृत हमें मानसिक गुलाम बनाने की एक साजिश चलने लगी, धार्मिक रूप में हमें पता नहीं क्या क्या बता गए, अंधभक्ति टाइप बना दिया, हम इस तरह से इस लेवल तक पहुंच गए धीरे धीरे कि हम हमारे साथ जो जूम जातियां जो कुछ हो रहा था उसको, जब ऐसे होता है जब लगातार 100-100 सालों तक होता है तो वो उसको एक किस्म से मान लेते हैं कि ये तो भाई, और बताते भी ऐसा थे कि ये तो भाई आपके कर्मों का फल है, आपका धार्मिक तौर पे या वर्ण व्यवस्था के या जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार आप आपको आपके ऐसी अधिकार हैं और आपका पुराने कर्म जो जन्मों का जो फल है वो है नियति है ये, तो हम मान के चले, हमारे बाप दादा जो है अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो मान के चलते थे भैया तो ठीक है, सहन कर रहे थे और साथ में धार्मिकता जोड़ दी पवित्रता जोड़ दी, आपके तो यही काम है यही करने पड़ेंगे आपको, यहाँ जन्म लिया जन्म से जोड़ दिया, तो ऐसा कुछ होते आ रहा था जो उससे पहले कई हमारे महापुरुष जो पहले रविदास जी हुए कबीर साहब हुए या नामदेव जी हुए गुरु नानक देव जी हुए, उन्होंने क्या उन्होंने भी ये संघर्ष किया, लोगों को हमें समझाने की कोशिश करी, क्योंकि वो उस दौरान हमें धम से हम जो संघ में रहते थे और धम को मानने वाले थे हमें बुराइयां सिखाने का दौर शुरू हो गया था, तब तक ठीक था सब, जो दौर शुरू हुआ तो साथ साथ हमारे महापुरुष ये जन्मे और इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन चलो नहीं कामयाबी मिली, धीरे धीरे हम हमारे ऊपर कह सकते हैं कि जो इनका जो मनुवाद का जो असर है वो चलता गया और हम बाबा साहब से पहले अगर कहें तो उसी व्यवस्था के अनुसार चले आ रहे थे कि हम इनको मानते थे, बाबा साहब ने समझाया, अब आज क्या हालत हो रही है, आज हालत हम कह सकते हैं कि जो बाबा साहब के आने से पहले थे और बाबा साहब ने क्या कितना लोगों को क्या क्या बोलते थे, वो कितना झिड़कते थे कैसे झिड़कते थे, अब हमने उनको देखा नहीं है लेकिन जैसे बाबा साहब की फिल्म है सीरियल है या थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं तो
तो कहां तक बोलते थे वो समाज में, बीच में मीटिंग? पहली बात तो आते थे डरते, फिर उनको कहां पवित्रता से जोड़ रखा था, अंधभक्ति से जोड़ रखा था, कर्मों से जोड़ रखा था, तो उन्होंने सबको कितना कहां तक झिंगोड़ते थे कि भाई इससे अच्छा तो मर क्यों नहीं जाते, क्यों बोझ बने वो। तो अगर हम उस व्यवस्था से, उस स्थिति से अगर कंपेयर करें, आज बाबा साहब के जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने संविधान तो दे दिया, लेकिन जो जो अपोजिट थे उनको बड़ी एक सुख की सांस मिली, भाई ये तो हमारा जो है हमेशा के हमेशा जो कान खींचते रहते थे वो तो अब गए, एक किस्म से कह सकते हैं, और इन्होंने बड़ी सुख की सांस ली। लेकिन बाद में साहब काशीराम जी आ गए, उन्होंने संघर्ष किया। और आज अगर देखा जाए तो हम बाबा साहब के उस टाइम से राज करें तो आज भी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हम पढ़ लिख लिए, हमें नौकरी मिल गई, अच्छे अच्छे पदों पे चले गए, छोटा मोटा कहीं ना कहीं व्यापार में भी चले गए, और वो सब करते करते हम कहां पहुंच गए जहां पहुंच रहे हैं। अब हम बिल्कुल उस स्थिति में आ गए, ठीक है थोड़ा बहुत हमें मिल गया, लेकिन हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारी हालत क्या हो रही है, आने वाली जनरेशन क्या क्या होगा। कुछ जो आगे जनरेशन है उनके लिए नौकरियां नहीं है, उनके सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो कानून है सारे ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट में एमपीज के सामने, उनके आंखों के सामने एससी एक्ट है वो छीना गया, और प्राइवेटाइजेशन इतनी सारी हमारी अच्छी अच्छी जो कॉर्पोरेट ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनको खराब किया जा रहा है, और जो प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर था उनको भी बेचा जा रहा है। हमें मतलब कह सकते हैं कि जो हिटलर शाही जो एक सिस्टम ऐसा इन्होंने सोचा हुआ है कि जनता को इतना क्रश कर दो कि वो सिर्फ रोटी मांगे, दिन भर काम करे, उनको मजदूर बना दो और दिन भर काम करे, शाम को रोटी मांगे सब। जब ऐसा स्थिति होगी तो अधिकारों की कोई बात नहीं करेगा, कुछ ऐसा कुछ होता दिख रहा है। लेकिन हमारा थोड़ा जिनको हम बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं, आईएएस है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर है, खासकर प्रोफेसर बिल्कुल भी सब अपने उसमें खोए हुए हैं, तो वो कोई भी स्थिति को समझ के और कुछ करना नहीं चाह रहा, कहां सोए हुए हैं। तो हालत वही है कि हमें झिंझोड़ना पड़ेगा उनको, जैसे अभी बात हो रही थी उनके पिनअप करना पड़ेगा, उनके चिटकी चिचड़ी बोलते हैं ना, चुटकी भरनी पड़ेगी उनके, जब तक वो जागे नहीं तब तक उनको खदेड़ना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। ये स्थिति ऐसी आ चुकी है कि बाबा साहब के टाइम उन्होंने जो किया वो स्थिति इसी तरह की अब आके हमें ये सब करना पड़ेगा, स्थिति बहुत विस्फोटक हो चुकी है। तो ये हम सबको यहाँ पे वी द पीपल के इसमें करना पड़ेगा। बीच में ये बातें आ रही थी कि जितने संगठन है इनकी आप मतलब बुराइयां क्यों करते हो, भाई जैसे चल रहा था वो तो चल ही रहा है, धारा बह रही है, जब तक उसमें पत्थर नहीं फेंकोगे वो तो बहती रहेगी, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत रोकोगे या कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तब ही होगा। तो हमें संगठनों की जो बातें करते हैं, हमारा कोई उनसे, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको समझ क्यों नहीं रहे कि हमारा इतने संगठन होने के बावजूद हमारी जो राइट्स है, अधिकार है, वो छीने जा रहे हैं। रोज घटनाएं इतनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जून जातियां हो रही है, इवन आम आदमी का जीवन, बोलने तक की आजादी नहीं है, कोई थोड़ा सा बोले कि उसके पीछे कुछ कर दो और कोई कर दो, कोई केस कर दो या डराओ धमकाओ, ये सब कुछ हो रहा है। रोजगार खत्म हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन से हमारे हॉस्पिटल शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, महंगी हो रही है, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या हमारे ठीक है किसी बच्चे मान लो थोड़ा बहुत पढ़ भी गए तो आगे क्या होगा, उनके बच्चों को क्या मिलेगा, क्योंकि नौकरी पहली बात तो पढ़ाई इतनी महंगी, और पढ़ने के बाद पढ़ भी लिए जैसे तैसे कर गए हमने तो नौकरी का है, नौकरियां तो सारी प्राइवेट सेठों की है जो अपने परिवार को पहले रखेंगे, अपने रिश्तेदारों को रखेंगे,
तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा भाई, 8-10 हजार की नौकरी करनी है तो करो, नहीं जाओ अपने रोटी खाने के लिए, वो भी करना पड़ेगा, स्थिति वो पहुंचने वाली है। तो हमें जुड़ना पड़ेगा, इसका एक ही तरीका है सब करने के लिए, जुड़ना जोड़ना, जुड़ना हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर संघ में आएंगे, इकट्ठे होंगे तो हमारी ताकत होगी, इकट्ठे होना ही काफी है। कई बार कहते हैं इकट्ठे हो गए क्या करोगे, इकट्ठे तो हो देखो तो सही इसकी ताकत, ये टेस्टेड है। 2 अप्रैल को टेस्ट होया हुआ है, अब फार्मर का टेस्ट होया हुआ है, संघ बनाया, 32 संगठन थे, अगर वो संघ में इकट्ठे नहीं होते तो कौन पूछता है इनको। 2 अप्रैल का अगर हम सड़कों पे नहीं आते, नेता की कहां जरूरत थी। अब बात करते हैं संगठन है, नेता चाहिए, अब जिससे भी बात करें भी, तुम वी द पीपल समण संघ है, नेता कौन है भाई, नेता हमारा संविधान है, नेता हमारा धम है, धम के साथ चलेंगे हम, संविधान के अनुसार चलेंगे, वही हमारा आचार विचार है। अब कोई कहे कि जुड़ेंगे कैसे, जुड़ने में 2 आदमी चाहे 10 आदमी जुड़ते हैं तो कोई उनके जुड़ने में एक बार जुड़ भी जाए तो उसमें कुछ न कुछ जुड़े रहने के लिए क्या उनमें कुछ बाधाएं होती है, वो बाधाएं भी हमें दूर करनी है। वो बाधाएं कैसे दूर हो सकती है, हम नियमों को मानेंगे, बाधाएं दूर हो जाएगी। हमारा नियम है, धम का नियम है, पंचशील का नियम है, पंचशील मानेंगे हम सभी। हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पर्पज के लिए हम जुड़े हुए हैं। अब संघ अगर कोई बात करे डिफरेंट, ये संघ वो संघ, भाई हमारा संघ तो 85% लोगों को जोड़ने के लिए है और पॉजिटिव है, घृणा फैलाने के लिए नहीं है, प्यार फैलाने के लिए है, भाईचारा फैलाने के लिए है, आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए है, भाईचारा बढ़ाने के लिए, हमारा प्यार बढ़ाने के लिए है, कोई जून जाति धर्म उसके बांटने का नहीं है उस आधार पे। तो हमारा हम जीतेंगे क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा पर्पज है, वो अच्छा है, लोग हर एक को इसलिए पसंद भी आएगा, हम आपस में लड़ाने की बात थोड़ी करते हैं। तो हमारा ये संघ है, इसके छोटे छोटे नियम है, इकट्ठे होते हैं हम, इकट्ठे हो गए खुद नियम बनाते हैं, पहले हमारा कोई पर तय नहीं है। संघ में बुद्धा के टाइम भी ऐसे ही था, जैसे जैसे संघ बढ़ता गया, जैसे जैसे समस्याएं आती गई, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई, उनका सॉल्यूशन निकालते रहे, बैठ के इकट्ठे होते थे, ये समस्या आ गई, सारे डिस्कस करते थे और समाधान निकल जाता था, नियम बन गए, ऐसे ही नियम बनते चले गए। तो हम बिल्कुल संघ की जो संकल्पना है उसी पे चलते हुए हमारा संबंध संघ जो चल रहा है, हमारा जो आज कईयों को ये भी रहता है कि संबंध संघ ये काम करे, राय बहुत देते हैं, संबंध अट्रोसिटी पे काम करे, संबंध संघ लाइब्रेरियां खोल लें, संबंध संघ के गांव गांव जाके काम कर ले, कोई घटना छोटी मोटी हो गई क्या वहां क्यों नहीं जाते भाई, ये काम तो सारे इतने सारे संगठन कर ही रहे हैं। पहले संघ किसी काम के लिए है, संघ का कोई उद्देश्य है, उससे वही काम वो करने लग जाएगा तो फर्क क्या रहेगा, संगठन पहले करें एक और से ही एक संगठन और वो काम में लग जाएगा। तो हमारा काम वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो करते रहें, हमें तो इसके उद्देश्य को समझ के इसकी संकल्पना जो है उस पर चलना है, इकट्ठा होना है, और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे ना उस दिन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एट्रोसिटीज है, जून जातियां, ये सब अपने आप बंद हो जाएगी। कहते हैं एक मोहल्ले में शहर में जब इकट्ठे होते हैं तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, गांव में ले लो चाहे शहर में ले लो, अरे छेड़ मत दियो इनको किसी की कोई बात, इकट्ठे हो गए आ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, सारे इकट्ठे हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातें बहुत आसान है समझने, गांव में रहते थे हम, पता है हमें। तो ये सब चीजें इसलिए इसकी महत्ता को समझे, और इकट्ठा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक किसी ने नहीं किया। हर कोई आज भी और बातों को कहता है, संघ इकट्ठा होने का काम किसी ने किया ही नहीं है आज तक, और उसके जो इकट्ठा होने में बाधाएं हैं वो पंचशील की कोई बात नहीं करता। हम बंटे कैसे, हम बंटे उन बुराइयों के कारण ही तो बंटे हैं, हमारे में इतनी बुराइयां इन्होंने डाल ली, दारू नशा झूठ बोलना भ्रष्टाचार पद प्रतिष्ठा ऊंच नीच अहम अहंकार, अपना कई भाषण दे दिया वाह वाह होगी, छोटे छोटे उनमें हमें अपने
पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, प्रधानगी के चक्कर में, चौधराहट के चक्कर में बंटते गए हमें। एक संगठन बना, परपज कुछ छोटी मोटी विवाद हुआ, ले भाई तू अलग और मैं अलग, दो बन गए, दो से चार, चार से आठ, करते करते 29 लाख संगठन बना दिए। 6743 जातियों को जो मिलाने के लिए 29 लाख संगठन, क्या जोड़ोगे भाई तुम? और बाबा साहब ने बात करते हैं बाबा साहब के मिशन की, बाबा साहब ने तो चार धड़े से बनाए थे, एससी एसटी ओबीसी, और तुमने उन्हीं धड़ों की कास्ट में बांट दिया पहले तो, और कास्ट को, और कास्ट के फिर और खोल दिए, 29 लाख टुकड़े कर दिए। तो अब हम उनको कहें भी ना कुछ, जो उनके प्रधान है, क्या आज भी हम उनका पोषण करते रहे? क्या उनको वाह वाह ही करते रहे? हम गलत को गलत कहना बंद कर दिया था हमने, इसलिए समस्या आ रही है। जितने संगठन, मान लो मैं जहां रह रहा हूं वहां 10 संगठन आ रहे हैं, और मेरे से को हर कोई चंदा लेने आएंगे साल में एक बार। मैं भी हाँ चलो ठीक है दे दो भाई, आया 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, दूसरा आया ले भी तुम भी ले जाए, काम तो कर ही रहा है। और उनसे पूछो सर काम कर रहे होते तो हमारी हालत ऐसी क्यों होती? तो आज हमें समझ में आ रही है कि ये चीज है, संघ में आगे समझ में आई है हमें ये सारी चीजें, भाई ये तरीका है, यहाँ आगे सब कुछ समझ में आया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमारे जो हालत है उसको ठीक करने के। तो इसमें हमें चंदा देना बिल्कुल बंद करना चाहिए, उनका हम उनका न्यूट्रिशन कर रहे हैं, हम उनका पोषण कर रहे हैं अभी तक। हम जो कांटे वाले जो हमारे पौधे हैं ना, उन कांटेदार पौधों का या उन पेड़ों का पोषण करते आ रहे हैं, तो हमें उनसे क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे, इकट्ठे तो होने नहीं उनको। अब उनको पैसे देना है तो भाई इकट्ठे हो गया हो। अब मान लो कहीं भी हम बैठे हैं, मैं हिसार में हूं, अगर संगठन मुझे पता है पहले मैं जिनको उनको भाई बंद है हमारा, तो ये हम तो नियम को माने, संघ में है हम, संघी है हमारे, ये नियम है, अब पैसे नहीं देंगे। पैसे देने तो इकट्ठे हो गया हो, पैसे देंगे तुम यहाँ पे, क्या करना है इकट्ठे आओ, तो ये हमारा नियम है। इसी तरह अगर सब बराबर है इसमें, कोई पैसे पर्ची वर्ची कटती नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए जाते संघ के किसी संगठन या पार्टी को, पैसे नहीं देंगे, सीधा सा मतलब है। पार्टियों को तो क्या है, वोट, कोई कहे वोट कहाँ दोगे, ठीक है अलग बात है, हमें टाइम पे सोचेंगे। अब तो हमें इनको करना है कि वोट चाहिए तो पहले तो इकट्ठे होके आओ, दूसरा ईवीएम हटवा के आओ। बात करते थे ईवीएम खराब है, ये है हटवाने के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी ईवीएम से, अपनी बात पे ही मुकर रहे हैं, उस पर तो डिग रहे। दूसरे हमारा खर्चा खुद, हमें मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना है, हर सदस्य को हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम अपना खर्चा खुद वहन करेंगे, हर एक को मीटिंग है तो अपना खाना लेके जाएंगे, इकट्ठे बैठ के खाएंगे, संघ का खाना खाएंगे, वहाँ चार परांठे जितना खाना, दो परांठे एक्स्ट्रा ले जाके वहाँ पे अपने मीटिंग करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, वो इकट्ठा होगा संघ का खाना, भाईचारा बढ़ेगा, कोई खर्चा हो रहा है कंट्रीब्यूटरी हो जाएगा, नीचे बैठेंगे सब तो नीचे बैठेंगे, अगर कुर्सी पे है तो कुर्सी के पैसे देने हैं सबको देने, कहीं जाना है व्हीकल यूज हो रहा है, कार में 5 साथी है, 5 पैसे देंगे आप अपना अपना। बिल्कुल नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आज बहादुरगढ़ गया, 4 जने हम अपने, 2 ही थे, अपने पैसे जो खर्चा कर लिए बांट लिए 2 जनों ने, नहीं तो दोनों नियम मान रहे हैं लेने वाला भी। हमें नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मंच माइक प्रतिष्ठा से दूर होना है, ये बहुत बड़ी हमारी बाधाएं हैं, अहम अहंकार से दूर होना है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं। पद प्रतिष्ठा, कोई काया सर्विस कर रहा है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई जो ठीक है इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अपने हिसाब से नौकरी कर रहे हैं तो भाई नीचे आओ भाई, सबको कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। थोड़े बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने आप मेयर, बाकी अपने घर बैठे हैं, तो संघ बनेगा कैसे? तो संघ के लिए तो जो जिनसे जो बाबा साहब ने कहा था कि बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील इंजीनियर डॉक्टर या फर्दर भी हम माने, इतने अच्छे अच्छे लेखक हैं या प्रोफेसर हैं बड़े बड़े, अगर वो अपनी ड्यूटी बुद्धिजीवी वर्ग में आ रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? वो कोई जोड़ने का काम ही नहीं कर रहे। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने पीएचडी कर ली तो वो समाज के क्या काम आ रही है बताओ?
वो तो उसकी पर्सनल वो हो गई ना, पर्सनल अचीवमेंट, वो भी काम आ रही है कि नहीं, जस्ट नाम ही हो गया, डॉक्टर लगा दिया साथ में, पीएचडी कर ली 3 साल 5 साल वहां पे इतना, अरे समाज का काम करो भाई, समाज में आओ, उससे क्या फायदा है। प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लेक्चर देने जाते हैं, अपने अच्छे अच्छे थिंकर हैं, और लेक्चर दे के खुश होते हैं, वहां इन्वाइट कर लिया यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, कहां वो वहां 2 दिन लगाए, खुश हो गए, आगे थोड़ा प्रसिद्धि वहां उसमें बात होगी, समाज का क्या काम हुआ भाई, कैसे होगा। इकट्ठे होने की बात नहीं करते, इस मीटिंग में जुड़ते नहीं है, आते क्यों नहीं आते, उनको इतना अहम अहंकार है, समाज की चिंता नहीं है, अपना बढ़ाने में लगा, यूं पता नहीं तुम कर क्या रहे हो भाई, ऐसे ही रह जाएगा क्या जाएगा, समाज तो हालत खराब हो रही है उसके, तुम सोच रहे नहीं रहे, फिर फायदा क्या तुम्हारी पढ़ाई का लिखाई का, पीएचडी करने का, प्रोफेसर शिक्षाविद बनने का, तो ये सब चीजें वो सोच ही नहीं रहे हैं। इसी तरह हमारे और अलग अलग और भी नियम है कि हम दूसरे शहर में जाएंगे तो अपना जो भी खर्चा है, कोशिश करेंगे हमारा संघ का कोई साथी हो उसके घर जाके रुकें, बातचीत करें, खाना खाएं, अगले दिन आए अपने चुपके से खाली लिफाफे में अपना 500 रुपये या जो भी ये संघ के नियम है देके आए। अब हम किसी होटल में रुकेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे ना, होटल हमारे तो है नहीं, हमारे नहीं है तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे पैसे कहाँ बाहर जा रहे हैं। तो अगर वो अपने साथी के घर जाएंगे, पैसे अपने समाज में रहेंगे, बातचीत भी होगी, मेल जोल भी बढ़ेगा, संघ भी बढ़ेगा। संघ में प्रमोशन है तो एक प्रमोशन है स्पोक बनना। अब स्पोक की कई बार आजकल अभी थोड़ा सा उसे समझने की जरूरत है, स्पोक मीन्स हमें प्रवक्ता, टीचर, टीचर बनना, हमें लाखों टीचर चाहिए, लाखों टीचर चाहिए भारत में, तब जाके हम, हमें जो है लाखों टीचर का, जिनको ये कंसेप्ट क्लियर है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि ये कंसेप्ट जो है इसको हर एक को समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे इसका प्रचार लोगों को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए एक आदमी से नहीं होगा, 1, 2, 10, 20 से नहीं होगा, लाखों टीचर चाहिए जो समाज में जागे और ये प्रचार होगा समन संघ का, उनको चेंज करेंगे, उनके माइंड को चेंज करेंगे, उनको समझाएंगे, ये सब जरूरत है। इसलिए बहुत स्पोक चाहिए और अच्छे समझ, स्पोक मीन जो इस कंसेप्ट को समझ गए। इसी तरह संघ का यह है कि संघ कभी पार्टी नहीं बनाएगा, कोई नेता नहीं है इसका, नेता संविधान है, धम है, पार्टी ठीक है, पॉलिटिक्स में हमें भी जरूरत है, पॉलिटिक्स में तो ये सिस्टम है, राजनीति तो चाहिए, लेकिन संघ नहीं जाएगा, यहाँ से कोई साथी जाना चाहे जाए, अगर कोई 2 साल 3 साल या इस कंसेप्ट को समझ गया और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में जाएगा, राजनीति में, तो वो अच्छा काम करेगा ना संघ के, और अगर नहीं करेगा तो संघ में पावर है, हम जब इकट्ठे होंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, हमारे में इतना मनोबल होगा कि कुछ भी गलत करेगा तो हम उसके प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे मान लो इशार में MLA है, गलत करे तो हमारा संघ है तो हम इशार में तो आएगा, वो उसके घर जाएंगे और उससे पूछेंगे भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो उस लायक हम हो जाएंगे अगर संघ बनाएंगे। संघ की ताकत को समझने की जरूरत है, तो हमें जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ेंगे जब जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं पहले भी जीते हैं तो अब भी जीतेंगे, जुड़ के रहेंगे हम, जीत के रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास सर जी, साधु। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा, सरल और सिंपल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया आपने। रमेश कटके सर। हाँ सर। हाँ सर, सभी साथियों को नमोबुद्धाय, जय भीम। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 227 लोग बचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परिहार साहब, आपने बहुत अच्छा सुना। रमेश साथी अपना माइक ऑफ रखे, आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं
और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.